हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है कल के दिन में यहाँ पर दो वीडियो से रिलेटेड हमने बातें करी थी जाके यहाँ पर देख लीजिएगा और इस वाले में स्टॉक्स में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है आज एक अच्छा खासा मौका था देखिए इसी तरीके से हम चीजें लेके आते हैं कि आपका पैसा बनता हुआ नजर आए छोटा शेयर हो बड़ा शेयर हो मैटर नहीं करता अच्छा शेयर होना चाहिए ये मैटर करता है तो अच्छे शेयर कैसे चुनते हैं इसके लिए आप हमें फॉलो करिए वीडियो को लास्ट तक देखा करें जाना करें पहचाना करें तब आपको चीजें पता चलेगी और बैंक सैलरी से कोई रिलेशन नहीं है आप, आ, आप कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए और हमसे कांटेक्ट करना है अगर आपको हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दे रखा है वहां पर मैं वापस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं हम फाइनेंशियल सर्विसेज पोर्टफोलियो क्रिएशन जो आपको कराना है वो आप करा सकते हैं इसके अलावा प्लेलिस्ट करिए बैंक की कोई रिकमेंडेशन नहीं है सीखना है सीख के यहाँ पर काम करेंगे तो पैसा बनता हुआ नजर आएगा और आज के दिन में जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले एक ऐसा बेहतरीन स्टॉक्स है जो की यहाँ पर बारह दस बारह भागता हुआ आज दिखाई दिया है और इससे पहले काफी बार उससे रिलेटेड यहाँ पर चर्चा की गई थी नीचे किस तरीके से शेयर को खरीदते हैं वो हम यहाँ पर बताते हैं आपको तो उससे रिलेटेड ही बातें करेंगे तो आइए वीडियो की तरफ तो सबसे पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा देखिए डिविडेंड कंपनी ने 2019 में एक बार डिविडेंड दिया बीस में दो बार डिविडेंड दिया और दो में दो बार डिविडेंड दिया स्पेशल प्लस में फाइनल और अगर हम देखे तो देखिये इनका डिविडेंड देने का तरीका यहाँ पर देखिए चार रुपए तीन रुपए फिर इसके बाद पांच रुपए छह रुपए मतलब यहाँ पर डिविडेंड इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जब चीजें बढ़ती हुई नजर आए ना तो समझ लीजिए कि

देखिए स्विंग ट्रेडिंग करिए स्विंग ट्रेडिंग करने का दो तीन तरीके होते हैं ओके okay, उसे अपना ये, जो कि हम अपने वीडियो में हर बार बताती है बाकी थोड़ा टाइम रख तो भी को पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा अब इस शेयर अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए उससे रिलेटेड मैटर जरूर करेगा कि अभी प्रॉफिट बुकिंग करे या अभी बेच दे या फिर खरीदे उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं अगर मैं यहाँ पर सर्च में आऊंगा और मैं आपको पर दिखाऊंगा तो हम बात कर रहे हैं फाइन ऑर्गेनिक की यहाँ पर देखिए चार महीने पहले यहाँ पर इस स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी और आपको बताया था कि किस तरीके से फाइन ऑर्गेनिक स्टॉक एनालिसिस डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल कि किस तरीके से ये शेयर इतना बेहतरीन क्यों नजर आता है दो महीने पहले भी यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दी थी पांच बेस्ट फाइव स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई के नीचे चल रहे हैं तो देखिये फाइन ऑर्गेनिक से रिलेटेड काफी बार बातें करी गई है दो महीने पहले फिर दोबारा आपको याद दिलाया था कि यहाँ पर देखिए ये तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है Uh, हाँ देखिए यही अलग ये फाइन ऑर्गेनिक तो को -को -को तो तो सिखाते रहते हैं बार बार उनके रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आप लोग सीखे तो अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ और आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि कौन सा कंपनी है तो फाइन ऑर्गेनिक करती क्या है उससे रिलेटेड हम जानकारी देते हैं तो फाइन ऑर्गेनिक पे हम यहाँ पर गए

सॉरी <coughs> तो हाँ अगर बात करें इनका प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है 400 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड एडिटिव पॉलीमर एडिटिव एमोलिएंट्स एमोलियंट्स कॉस्मेटिक एडिटिव फॉर रबर इलास्ट पर कंपनी ये काम करती हुई नजर आती है तो बार बार इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर वीडियो बनाई है वीडियो बना के आपको बताया है कि कंपनी कितनी बेहतरीन है कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने बेहतरीन है कंपनी यहाँ पर किस सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है बार बार बताने का मकसद क्या होता है यही होता है कि आप लोग यहाँ पर सीखे तो अगर हम यहाँ पर देखे तो एडिटिव फॉर प्लास्टिक में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है फॉर फूड्स रबर कॉस्मेटिक यहाँ पर देखिये एक एक पूरी स्टोरेज दे रखी है और ये सारे के सारे आप डेली यूज में करते हैं डेली यूज यहाँ पर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं या फिर पूरा इंडिया यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या पी प्रोडक्ट्स में ही यूज होते हुए नजर आते हैं प्लास्टिक बनाने में रबड़ बनाने में फूड बनाने में एज वेल एज यहाँ पर कॉस्मेटिक बनाने में ये चीजें आप या डेली वाइज या फिर कभी कभी यहाँ पर यूज होते ही है सारे प्रोडक्ट्स तो उसमें ये कंपनी नंबर वन है बात करें है, दस हजार एक सौ बारह करोड़ का मार्केट कैप है पी की बात कर तो आज बताने का मकसद क्या है आज क्यों मैं इस शेयर से रिलेटेड बात बता रहा हूँ तो इससे रिलेशन ये है कि आज यहाँ पर ये शेयर आपको यहाँ पर 10 से 12 परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया जैसे कि मैंने आपको बताया तेरह परसेंट लगभग 14 परसेंट ये शेयर आज के दिन में भागता हुआ नजर आया क्या अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए यानी उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे तो यहाँ पर अगर बात करें आरो सी काफी बेहतरीन है ट्वेंटी डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है कोई पॉइंट के आसपास का यहां पर कर्जा ना के बराबर प्लेजिंग कोई नहीं है यहाँ पर बात करें यहाँ पर शेयर पांच का फेस वैल्यू भी है और लगभग आज के दिन इसने ऑल टाइम हाई अपना लगाया है मैक्सिम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आठ सौ का शेयर दो में था और एक अच्छी खासी रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है बीच में हर्डल्स आते रहते हैं और जब भी इस तरीके के हर्डल्स आते हैं वो एक इसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं जितनी बार ये गिरता है उतनी बार भागता है जितनी बार गिरता है

दूसरा रीजन ये जो बहुत गिर चुके थे, वो शुरू कर दिया था तो दो फैक्टर ऐसे थे पर पर्टिकुलर शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया स्टार्टिंग में देखेंगे जब आपको दिखाऊंगा आगे यहाँ पर चलते हैं पहले सबसे सेल्स की बात करेंटर ईयरली बेसिस पे तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है इन नेट प्रॉफिट की बात करें वो यहाँ पर या, यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट आता हुआ हमेशा नजर आया है इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें कंपनी का अच्छे खासे रिजर्व है बोरइंग फोर्टी वन करोड़ रुपीस की नामात्र बोरइंग रह गई है इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी है कंपनी के पास यहाँ पर बात करें यहाँ पर कैश की कंपनी के पास एक करोड़ का कैश है और यहाँ पर बात करें 49 करोड़ का वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लगे हुए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में और जब ये यह यहां पर ऐड होंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट दोबारा ऐड होता हुआ नजर आएगा छोटी सी कंपनी है ओके यहाँ पर अगर बात करें कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसी यहाँ पर काफी बेहतरीन है पर यहाँ पर यहाँ पर सेवेंटी फाइव परसेंट के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स ने रख रखे हैं देना ही नहीं चाहते किसी को शेयर एफ की बात करें यहाँ पर हिस्सेदारी देखिए सिक्स पॉइंट सेवन नाइन है डी की बात करें इलेवन पॉइंट थ्री टू परसेंट है पब्लिक की बात करें सिक्स पॉइंट एट नाइन परसेंट है तो काफी बेहतरीन काफी वंडरफुल यहाँ पर ये स्टॉक नजर आता है और जैसे ही भागता भागता है 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 तो 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 इसी इसी तरीके से इसी तरीके से से पर 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 अच्छे-खासे रिटर्न ये देते हुए नजर आता है। तो अब क्या करना है यहाँ पर बेचना है नहीं बेचना नहीं तो इससे या, या और खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए बातें करेंगे तो सबसे पहले मैं

Hmm. तो देखिए यहाँ पर ये शेयर ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नजर आ ही रहा है तो यहाँ पर इस शेयर में क्या करने की जरूरत है इस शेयर में करने की जरूरत ये है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर इसे पेशेंटली पर वेट करेंगे और अभी जल्दबाजी में बाइंग करने की जगह थोड़ा सा अगर इसे टाइम देंगे तो ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पेशेंटली यहाँ पर वेट करिए इस शेयर में अग्रेसिवली बाइंग करने की कोशिश अभी बिल्कुल भी मत करिए एग्रेसिवली बाइंग करेंगे तो यहाँ पर आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर वन आवर का यहाँ पर कैंडल चार्ट पैटर्न भी देखूँ तो यहाँ पर देखिए एक भी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर बिक, बिक वाली होती हुई नजर आई है और मॉर्निंग में जब ये शेयर खुला था ओके okay, तब उसने यहाँ पर बाइंग नहीं होती हुई दिखाई नहीं दी थी तो इस चीज को याद रखिएगा एक फ्लैट ट्रेड यहाँ पर यह शेयर करता हुआ नजर आ रहा था बट एक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आने ही बाइंग शुरू हुई केमिकल स्टॉक्स में ये ये शेयर 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 के अच्छे रिजल्ट आए तो भागना शुरू हो गया था तो यहाँ पर अगर आपको बाइंग करनी है तो ये शेयर आपको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आएगा और जब ये यह शेयर यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आएगा उस टाइम अगर आप यहाँ पर बाइंग करेंगे तो यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता ही रहा हूँ कि

और जब भी आए तो आप निकलने की कोशिश करिएगा इतनी भी जल्दी यहाँ पर इस शेयर में एग्रेसिवली बाइंग करने की थोड़ी सी भी जल्दबाजी मत करिएगा भाग सकता है नो डाउट यहाँ पर ये जो अब ये जो गेम प्ले होगा ये सारा का सारा यहाँ पर ट्रेडर्स प्ले करेंगे ओके और जो आ, हमारा जो swing trading का था, swing trading का हमारा हमारा स्विंग स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग का का था हमेशा ये रहता है कि हम यहां पर शेयर खरीदे हम यहाँ पर शेयर खरीदी खरी जब हमने चार महीने पहले वीडियो बनाई थी तब ये शेयर यहाँ पर ट्वेंटी सेवन हंड्रेड पर चल रहा था तब हमने वीडियो बनाई थी थर्टी फाइव हंड्रेड पर अपना काम हो गया था फिर नीचे आया था तो कब विद हैंडल पैटर्न एक बनाता हुआ नजर आया था और कब विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट नजर आ रहे थे वो कितने आ रहे थे फोर्टी थ्री हंड्रेड के आसपास आ रहे थे तो यहाँ तक शेयर जाएगा, बट एक साथ करने की कोशिश मत करिए यही मेरा कहना है। थोड़ा सा शेयर नीचे रिट्रेस हो ले, फिर एक मौका मिलेगा 3300 के आसपास, इसे स्टडी करनी है वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर करना है जितना हो सके हमें सपोर्ट करना है और इसी तरीके के शेयर आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे तो इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट कर लीजिए